यूपी की योगी सरकार को आखिरकार पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों पर कड़ा फैसला लेना पड़ा। 17 और 18 फरवरी को हुई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया गया है। योगी सरकार ने कहा है कि 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी। आखिरकार लाखों छात्रों के सामने योगी सरकार को झुकना ही पड़ा। यूपी सरकार ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी पुलिस भर्ती रद्द कर दी। दरअसल परीक्षा को लेकर पूरे राज्य में लाखों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने लोगों से ईमेल के जरिए सबूत भी मांगे थे। इसके बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त करने और आने वाले 6 महीने के भीतर ही फिर से परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। परीक्षा रद्द होने के बाद यूपी पुलिस में जाने के लाखों युवाओं के सपनों पर फिर से ब्रेक लग गया है। सरकार पहले पेपर लीक के आरोपों को मान नहीं रही थी, लेकिन कई ऐसे सबूत सामने आए जिसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती में 60,244 पद थे, जिसके लिए 48 लाख छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग और उससे कई और जुड़े लोग पकड़े गए थे। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ग्रुपों में सर्कुलेट हो रहा था। आरोप था कि टेलीग्राम पर 100-100 रुपए में परीक्षा के पेपर बेचे गए। इसके बाद भी परीक्षा आयोजित कराई गई। कई जगहों पर पेपर लीक को लेकर FIR भी दर्ज हुई थी। कानपुर में परीक्षा तैयारी कराने वाले शिक्षक रामजी शुक्ला ने पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। मैंने लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं मैं पहले उनसे मिला कि मेरी बात को संसद ने उठाएं, पेपर सारे आउट हो रहे हैं। जब वहाँ नहीं सुना गया तब मैं न्यूज़ चैनल पे आया, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किए और आप लोगों का मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी बात को सुना। अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो मैं आगे कोर्ट तक जाऊँगा, लेकिन पेपर कैंसिल होगा, ये 100% मुझे वादा है। सरकार भी इस बात को मानेगी, मैं सारा अंतिम सारा कोर्ट का लूंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 48 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी थी। इनमें 16 लाख महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों के अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। यूपी में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होने का दावा होता रहा है, लेकिन इन दावों की पुलिस भर्ती परीक्षा में धज्जियां उड़ गई। यूपी पुलिस परीक्षा 2024 में एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड कई दिनों तक सुर्खियों में छाया रहा। कन्नौज के परीक्षा केंद्र पहुंचे धर्मेंद्र कुमार के यूपी पुलिस एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की फोटो छपी हुई थी। उसमें धर्मेंद्र की जगह नाम भी सनी लियोनी ही था। ये मामला काफी चर्चा में रहा। इसकी जांच के लिए क्राइम ब्यूरो तक की मदद ली गई थी। यूपी पुलिस परीक्षा में शामिल हुए कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस पेपर की फोटो भी शेयर की थी। उनका कहना था कि ये फोटो उसी पेपर की है जो लीक हुआ है। वहीं बोर्ड ने इस वायरल पेपर को फर्जी बताया है। बोर्ड का कहना है कि शुरुआती जांच में ये पाया गया है कि अराजक तत्वों ने ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का इस्तेमाल कर फर्जी पेपर तैयार किया था, फिर उसी को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बहरहाल सवाल उठ रहा है कि सरकार परीक्षा भर्ती बोर्ड से जुड़े किन अधिकारियों पर क्या एक्शन लेती है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार दबाव में थी, इसके चलते सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा।